गाइस आप लोगों ने गोल्डन फिश को तो जरूर देखा होगा, जिसे कि कई लोग अपने घर में भी रखते हैं शौक से, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर और छोटी सी होती हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें पालते हैं। लेकिन अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो जाहिर सा बात है कि आप इसे अपने घर से उठाएंगे और किसी नाले में या फिर किसी तालाब में फेंक देंगे। लेकिन नदी या नाले में फेंकने से पहले आप जान लें, देखने में तो इतनी प्यारी होती है लेकिन यह इतनी ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति की है कि आप इसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इसे हम घर में पालते हैं तो इसकी वजह से जो ये होती हैं मछलियाँ, ये बहुत छोटी होती हैं। लेकिन यही मछलियों को अगर हम तालाब में डाल दें तो यह तालाब जैसे एरिए में बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और यह लगभग आपने देखा होगा कि इतनी छोटी होती हैं। और अगर इन्हें हम तालाब में डालें तो ये मछलियाँ लगभग इतनी बड़ी हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें राक्षसी प्रवृत्ति वाली बात क्या है, अगर मछली बड़ी हो गई इतनी तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये मछलियाँ जो होती हैं ये बेहद ही आक्रामक प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे में जब ये बड़ी हो जाती हैं तो ये तालाब की जितनी भी मछलियाँ हैं उन्हें भी रहने नहीं देती हैं और उन्हें भी मारकर खा जाती हैं। घर में रहने पर इनका विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये मछलियाँ छोटी ही रह जाती हैं और साथ ही ये इतनी एग्रेसिव भी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें तालाब जितना बड़ा एरिया मिल जाता है तो ये बेहद ही आक्रामक हो जाती हैं और बाकी मछलियों को वहाँ पर रहने नहीं देती हैं। साथ ही साथ ये पूरे तालाब के जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें भी रहने नहीं देती हैं, उन्हें भी खत्म कर देती हैं और तालाब को पूरी तरह से गंदा कर देती हैं। इसी की वजह से वैज्ञानिक इन्हें राक्षसी प्रवृत्ति की मछली बता रहे हैं। अभी हाल ही में इस मछली को एक चीन के तालाब में पकड़ा गया था, जिसमें कि यह फुटबॉल जितना बड़ी थी। पहले तो वैज्ञानिक इसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गए और फिर बाद में उन्होंने सभी लोगों को सलाह दी कि इन मछलियों को तालाब या फिर किसी नाले में न डालें। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इस मछली के बारे में जानकर आपको कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। तो गाइस इसी प्रकार के कमाल के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।